तो देखो भैया, जब से ट्रिपल आर जैसी बिग बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस फाड़ा है, तब से बिग बजट मूवीज का ट्रेंड चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको 10 अपकमिंग बिग बजट की मूवीज के बारे में बताऊंगा, जो बॉक्स ऑफिस के चितरे चितरे उड़ाकर 2000 से 3000 करोड़ तक कमाएंगी। इस लिस्ट में कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनका बजट 500 से 1500 करोड़ होने वाला है। तो वीडियो काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स बिगिन। तो भैया, हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर जो मूवी आती है उसका नाम है कंगुआ। कंगुआ एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे सिवासा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी में सूर्या सर, दिनेश पठानी और बॉबी देओल लीड रोल में नजर आएंगे, और रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी देओल एक नेगेटिव रोल यानी विलन के रोल में नजर आएंगे। इस मूवी का हाइप सूर्या सर के रोलेक्स कैमियो के बाद से अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। और इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो इसका बजट 350 करोड़ के लगभग है। ये फिल्म 12 अप्रैल 2024 को रिलीज की जाएगी पैन इंडिया लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है बॉर्ड 2। और बॉर्ड 2 ऋतिक रोशन की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले भी बर्मा जैसी बिग बजट मूवी बना चुके हैं। इस फिल्म में कियारा आडवाणी और जूनियर एंटिया जैसे बड़े एक्टर भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही में टाइगर पठान और जेमका कैमियो भी नजर आएगा। रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर एनटीआर हमको इस मूवी में नेगेटिव रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच फाइट देखने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसके अलावा इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 400 से 500 करोड़ होने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म को 14 अगस्त 2025 में रिलीज किया जाएगा पैन इंडिया लेवल पर। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर जो फिल्म है उसका नाम है पुष्पा 2। और पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की आने वाली एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे पुष्पा के ही डायरेक्टर सुकुमार सर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी में विजय सेतुपति और साई पल्लवी भी नजर आएंगे, और रिपोर्ट की माने तो इस मूवी में रणवीर सिंह का भी कैमियो नजर आएगा। इस मूवी को सुकुमार सर पुष्पा से भी बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा इस मूवी के बजट के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट लगभग 500 करोड़ बताया जा रहा है। मूवी जो है 15 अगस्त 2024 में रिलीज की जाएगी पैन इंडिया लेवल पर। अब रोल पुष्पा का। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पर जो मूवी आती है उसका नाम है प्रोजेक्ट के। और प्रोजेक्ट के प्रवास की आने वाली डिस्टोपियन मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नाग अश्विन सर। और नाग अश्विन सर इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन डिस्टोपियन मूवी होने वाली है, जिसके अंदर प्रवास के साथ दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं तो इस फिल्म में प्रवास एक सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे, और साथ ही में कमल हसन सर सुपर विलन के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा इस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के से हटाकर कल की 2029 रख दिया है। और रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म कलयुग पर आधारित होने वाली है। इस फिल्म की